फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि बेस्ट ही चल रही होगी। तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके आई हूँ नीचे पढ़ाई करने। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली बुक की हालत क्या हो गई है। पढ़ाई करते करते ना इतनी हालत हो जाएगी, मुझे पता नहीं था क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट ना वो ग्लू जो होती है ना बुक के बीच में, वो निकल गई है तो सारे पेजेस बाहर ही निकल जा रहा है अपना। तो चलिए, बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई तो हो गई है, लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैं जा रही हूँ लंच करने। Now lunch is done and चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा वॉकिंग। तो फ्रेंड्स, अभी लंच वगैरह हो गया एंड मॉर्निंग का स्टडी भी हो गया है। और अभी ना लंच करते करते मम्मा ने ना मुझे एक चैलेंज दी। वो चैलेंज ये दी कि लाइक मम्मा मुझे एक शॉप में लेके जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं। तो कलर चाहे कोई भी हो, लाइक क्रेयॉन्स हो, वाटर कलर्स हो, लेकिन वो सबसे चीपेस्ट होना चाहिए। और अगर मैं ऐसा ना करूँ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का बॉक्स नहीं और एक सिंगल कलर मुझे लेना है, उससे कुछ करना है, तो भी इट्स टोटली डिपेंडेड ऑन मी। लेकिन वो एकदम ही चीपेस्ट होने चाहिए उस शॉप में। ये देखिए, छोटा सा बर्ड है यहाँ पे। कहीं ये बर्ड वो तो कहना नहीं आया कि मुझे ड्रॉ करना। तो बस अभी हम थोड़ी देर में जा ही रहे हैं बाहर और मुझे चीपेस्ट कलर ढूंढना है। और मम्मा ने कहा है कि वो जो हम कलर्स लेके आएंगे ना, उसमें से मुझे कुछ ड्रॉइंग करना है, कुछ भी करना है। तो चलिए यहाँ से कलर्स देखते जाते हैं। ये है डॉम्स की क्रेयॉन्स, इसकी प्राइस है ₹60। ये कुछ डिफरेंस ये उसके थोड़े बड़े है ना उससे। इसकी है, अरे नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे ऐसा दिया तो मैंने सोचा ये क्या है। हाँ, इसका 100 है प्राइस। फिर इसकी तो 125 है। देन इसकी ₹50। ये कुछ डिफरेंट है ना, मतलब प्राइस नहीं देखी मैंने बट कुछ डिफरेंट है। ओ, इसकी तो 315 है प्राइस। ओके ओके, ये कौन से है? ये तो एक्रेलिक कलर्स है ना, आई थिंक एक्रेलिक कलर्स की प्राइस ज्यादा होती है। तो फिर वो सेक्शन आई थिंक देखते हैं। यहाँ पे पोस्टर कलर्स है, इसमें देखिए एक सबसे छोटा वाला देखते हैं। इसकी भी प्राइस है ₹100। वाटर कलर ट्यूब्स, ये भी 100। चलो तो उस सेक्शन में आई थिंक ज्यादा छोटा छोटा लग रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये अभी रह गए है। ये है ₹60 के। देन ये मम्मा, ये है ₹30 के। लाइक अभी तक हमने जो देखे इसमें ये सबसे चीपेस्ट है। हाँ, ये दूसरा आप ले लेते हैं। हाँ, और फिर यहाँ पे भी ये है वाटर कलर्स मेरे पास, ऐसा बड़ा वाला है ना, ये वाला नहीं है मेरे पास। मम्मा ये उससे भी चीप है, ₹25 के है। चलो लाइक सबसे कम प्राइस है इसकी। देन ऊपर है ये क्या है? ओ वाह, ये वो डिब्बी वाले कलर्स है ना, तो लाइक पहले आते थे। अभी भी आती है ये। 10 इसकी प्राइस है, इसकी ₹20 है, नहीं 10 है। ओके, इसकी प्राइस है ₹20 एंड इसकी प्राइस में ₹10 है। तो ये सबसे बेस्ट है, तो इसको भी रख देते हैं। ये 25 का है और ये 20 का है, ये वाला। ये तो फाइनली हम ले रहे हैं ये वाला। इसे तो मुझे नहीं लगता कौन चीपेस्ट होगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगता एक्चुअली। चलो तो ये डन है। इसके साथ ना इसमें टूल्स भी दिए हुए हैं, तो मैं वो भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लाइक एक इसमें ना ब्रश भी साथ में दिया हुआ है। तो नहीं नहीं नहीं, सॉरी, लगा सर है कि ये ब्रश है। एक ब्रश है, एक ब्रश है। तो ब्रश जिस वाले ही ब्रश से करेंगे हम। ओके, तो ये हम फाइनल कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कोई चीपेस्ट होंगे। एक यहाँ पर भी देख लेते हैं, होगा नहीं बच्चा। हाँ, इसकी है ₹90। स्केच पेन है बट 30 का। ये तो कुछ डिफरेंट है बट जस्ट मैं देख रही हूँ कि ये तुम यूज़ करते हो उससे डिफरेंट कलर है। इसकी प्राइस है, कहाँ पे है, होगी कहीं तो। ऑब्वियसली 10 का तो नहीं होगा, 10 से तो ज़्यादा ही होगा। ओके, ये तो वो ग्लिटर टाइप कुछ होता है। हाँ, ₹15 का है, तो एक भी ज़्यादा है। सो ये ले लिए हमने चीपेस्ट कलर्स एंड अभी हम जा रहे हैं हैकर की तरफ।
तो मैं मिलती हूँ मैं आपको घर पे जाके, एंड कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग घर पे जाके। तो बस अभी हम कलर्स लेके घर पर आ गए हैं, एंड मैंने उन कलर्स से कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाली हूँ, करना तो है उससे कुछ इंटरेस्टिंग। बट सबसे पहले खा लेते हैं ग्रेप्स, एंड उसके बाद मैं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं है कि मैं क्या करूँगी, लाइक एग्जैक्ट क्या पेंटिंग करूँगी इससे, बट मैंने ना सबसे पहले एक हर्ट से स्टार्टिंग कर दिया ड्रॉ करना। फिर मैंने एक रोड किया ऑफ कोर्स, फिर बुशेस एंड ग्रासेस वगैरह, देन मैंने ना ट्रीज़ किए। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि पर्टिकुलर मैं इस टाइप से ही करूँगी, बट कर दी गई एंड होता गया ड्राइंग। फिर लाइक ये रफ ड्राइंग है ना, तो रफ ड्राइंग तो हो गया। देन अब मैंने खोला ये कलर्स का पैकेट, इसमें ना टोटल 6 कलर्स आए, एंड ये एक छोटू सा ब्रश आया। अब मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि मैं ये छोटे से ब्रश से पूरा कर पाऊँगी या नहीं, देखते हैं। नाउ अब मुझे ट्रीज एंड बुशेस के लिए डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन चाहिए। डार्क ग्रीन तो है ही, बट लाइट ग्रीन करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन में थोड़ा सा वाइट एंड येलो ऐड करके लाइट ग्रीन बना लिया। नाउ ट्री के स्टेम के लिए डार्क ग्रीन एंड रेड को मिक्स किया, बट फिर मुझे पता चला कि थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया डार्क, तो मैंने ना फिर सेम वही प्रोसेस रिपीट करके थोड़ा सा वाइट ऐड कर दिया, तो लाइट ब्राउन हो गया एंड येलो। तो चलिए अब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले तो ट्री से स्टार्ट किया, बट हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्काई से हो गया, बुशेस से हो गया, देन यहाँ पे हट से हो गया, बट मुझे ना यहाँ से करना था तो मैंने यहाँ से किया। अब ये एक्चुअली छोटा ब्रश है ना, तो ट्री अच्छे से तो करना नहीं पाया, लाइक ग्रीन एंड लाइट ग्रीन को मिक्स करना और येलो उसके साथ साथ, पर जितना मेरे से हो पाया अच्छे से उतना मैंने किया। अब आप बताइएगा कि ये कैसा बना है। अब फ्लैट ब्रश से करते तो और भी अच्छा होता, या फिर बड़ी साइज़ वाला राउंड ब्रश से, बट चैलेंज ली थी तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि ये वाटर कलर के साथ यही एक ब्रश आया था इतना छोटू सा। तो बस ये पहले वाला ट्री जैसे किया वैसे ही दूसरे दो ट्रीज मैंने बना लिए। अब आप शायद यही सोच रहे होगे कि ये मैंने हट का कलर कैसे बनाया, क्योंकि ये जो 6 कलर्स आए हैं वाटर कलर में उसमें ये वाला कलर तो आया ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए वाइट एंड रेड कलर को मिक्स करके पिंक कलर बनाया, देन ब्लू कलर को ऐड करके पर्पल, फिर येलो को ऐड किया एंड वाइट को ऐड किया, तो बस बन गया कलर। और मैंने ना हट के रूफ में ऐसी थोड़ी सी इफेक्ट भी दे दी। अब यहाँ पे पेंट कर लेते हैं एंड फिर डोर्स एंड विंडोज कर लेते हैं। अब ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा येलो कलर, मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग इफेक्ट आए, और बस फिर विंडोज एंड डोर्स कर लिए एंड डन, हट हो गया। अब चलिए ये रास्ता बना लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये जो सैंड वाला कलर बनाया था ना वही यूज़ किया है, बट उसमें थोड़ा सा ब्राउन ऐड कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा डार्क लगे, एंड एजिस में थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर लिया एंड फिर मर्ज कर लिया है। मर्ज एक्चुअली वाटर कलर में अच्छे से हो नहीं पाता, तो मैंने फटाफट मर्ज कर लिया एंड देन इस टाइप से बुशेस कर लिए। ये जो रोड है ना वहाँ पर जो बुशेस टच हो रही है ना, वहाँ पर मैंने ब्लैक कलर किया है थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए, एंड बस इस टाइप से डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, इस टाइप से मैं इफेक्ट दे दी गई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ब्लैक कलर, फिर डार्क ग्रीन एंड देन लाइट ग्रीन कलर से इस टाइप से थोड़े से स्ट्रोक्स कर लिए एंड फिर ऊपर येलो कलर कर लिया, तो बहुत ही अच्छा ग्रास का इफेक्ट आ रहा था। आप भी एक बार ऐसा करके ट्राई करना। सो अब बुशेस तो हो गए हैं एंड अब स्काई को पेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने वाइट एंड थोड़ा सा रेड कलर लिया क्योंकि मैं लाइट पिंक कलर बना सकूँ, मुझे थोड़ा सा ये डार्क लगा तो मैंने थोड़ा सा और वाइट कलर ऐड किया, एंड फिर दूसरी साइड वाइट एंड येलो लिया एकदम लाइट येलो करने के लिए। अब देखिए उससे मैं ना किस टाइप से इफेक्ट दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना पिंक और येलो कलर को मिक्स कर लिया, तो इस टाइप से कुछ इफेक्ट आ रहा है ग्रेडियंट वाला, और यहाँ पे ना थोड़ा सा डार्क येलो किया है जहाँ पे मैंने सन किया है ना, तो वहाँ पर जो येलो है वही येलो यूज़ किया है, उसमें वाइट मिक्स नहीं किया हुआ है।
तो बस मैंने कर लिया अपना पेंटिंग। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये 10 रुपीज़ वाले वाटर कलर से पेंट करने में। और ब्रश भी मैंने ना वही यूज़ किया है जो उसमें साथ में आया था, तो मेरे लिए एक्चुअली ये न्यू एक्सपीरियंस है। तो ये वाला पेंटिंग जो मैंने बनाया वो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने कभी सिर्फ एक ब्रश से पेंटिंग नहीं किया है। यही ब्रश यूज़ करके छोटी छोटी डिटेलिंग भी की है एंड लाइक स्काई वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें भी की है, और लाइक मीडियम साइज़ की चीज़ें होती है ना जो इस ब्रश से हो सकती है वैसे भी की है। तो आप ना इसमें से मुझे आप ना मुझे 10 में से रेट देना कि आपको ये कितना पसंद आया है। तो अभी ना पेंटिंग की सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ डीक्लटर, और फिर मैं जा रही हूँ नीचे स्टडी एरिया में बुक्स लेने, और फिर बुक्स लेके ऊपर आऊँगी पढ़ाई करूँगी डिनर टाइम तक। तो आई थिंक इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।